नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल दीवा इच्छा फिल्म स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशी का छठवां अध्याय। मेरे साथ बोलिए जय माँ शेरावाली। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास गया और सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। दूत के बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहां ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उनको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कह की क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुक्कार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे वाणों, शक्तियां तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल कर मार डाला। उन्होंने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मार कर सिर धर से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़ कर उनके पेट फाड़ डाले, उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है और उसने सिंह में सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उनको बड़ा ही क्रोध आया और वह आश्चर्य में भी पड़ गया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहां ले आओ। यदि उसको यहां लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उनसे लड़ते हुए उनको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उनको बांधकर यहां ले आओ। इसी के साथ छठवां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ बोलिए जय माँ शेरावाली की, बोलो साचे दरबार की जय।